आज के टाइम में जुडिशरी पे भी सरकार अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर दिया उसने। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी, अगर सरकार तक सीमित रहे, हर विभाग में हर जगह जुडिशरी हो कुछ भी हो किसी प्रकार की, सब जगह सरकार का सेफ चल रहा। इस प्रकार से देश ये चाइना नहीं बनने का, इस भारत को भारत ही रहने का, चाइना नहीं बनने देने का। जैसे वहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है, यहाँ नहीं चलने देने के। यहाँ पर जानना चाहता हूँ ना जो साउथ कोरिया वाला चिंगचोंग क्या है, वो ना वो बनने देने का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं, लगातार यहां पर जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है कपिल सिब्बल यहां पर जनता को जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कपिल सिब्बल यहां पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर लोकतंत्र को खतरा है, क्यों है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो केंद्र की सरकार जो है यहां पर तानाशाही करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों के हाथों में पोस्टर भी है, कल का भारत सबका भारत, इंसाफ के सिपाही। आखिर कपिल सिब्बल किस चीज का इंसाफ मांग रहे हैं, ये आज कुछ वक्त में पता चल जाएगा, क्योंकि कपिल सिब्बल कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं और कपिल सिब्बल यहां पर साफ तौर पर आपको बताएंगे कि आखिर मुद्दा क्या है, किस चीज का इंसाफ मांग रहे हैं, मुद्दा क्या है ये, क्योंकि कल का भारत और सबका भारत यहां पर कहीं ना कहीं नारा गूंज रहा है। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, भारी संख्या में भीड़ पहुंच चुकी है और ये भीड़ कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल का इंतजार सुबह से ही कर रही है। सुबह 11 बजे से यहां पर कपिल सिब्बल का इंतजार किया जा रहा है और इस इंतजार में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों का जो है जमावड़ा यहां पर है और कई सारे लोग यहां पर कपिल सिब्बल को सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि लगातार देखा जाए तो यहां पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। सर, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका क्या नाम है? शैलेंद्र तोमर, एडवोकेट। और एडवोकेट जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल जी आने वाले कुछ वक्त में, आखिर मुद्दा क्या है, आखिर क्यों कहा जा रहा है कल का भारत सबका भारत और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आखिर कपिल सिब्बल को ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बताने से पहले आपको सब चीज पता, जो भी बीजेपी में रहेगा वो तो ठीक है, कोई दागदार दूसरी पार्टी में हो तो उस पर तो कार्रवाई होगी, और वो बीजेपी में आ जाएगा तो पाक साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार की डिक्टेटरशिप जो चल रही है आजकल देश में, आप सब देख रहे हैं, किसी से छुपे तो है नहीं है बात, ये उसी के विरोध में इंसाफ के सिपाही नाम से कपिल सिब्बल जी ने एक मुहिम चालू की है, जिससे लोग बाग जागरूक हों और जो सरकार, ठीक है सरकार है, सरकार में अच्छा काम करे, अच्छे काम करो तो प्रोत्साहन ही मिलेगा। क्या ये महागठबंधन की तैयारी है, क्या तमाम विपक्ष की पार्टियों को एक साथ जुड़ने की तैयारी है? नहीं नहीं, ये महागठबंधन की सिर्फ सरकार के खिलाफ एक उनकी आंख खोलने का काम करने के लिए प्रोग्राम रखा गया, कि सरकार की आंख खुले, कोई दबाव नहीं है सरकार पे कि अच्छा काम करे। कपिल सिब्बल ने मेहनत की कि जो शिवसेना थी वो उद्धव ठाकरे को मिल जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे को शिवसेना तो मिल नहीं पाई, तो अब कैसे इस तरह की जो मुहिम चल रही है इसको सफल बना पाएंगे? क्या ये सरकार का प्रभाव नहीं है? आज के टाइम में जुडिशरी पे भी सरकार अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर दिया उसने, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी, अगर सरकार तक सीमित रहे, हर विभाग में हर जगह जुडिशरी हो कुछ भी हो किसी प्रकार की, सब जगह सरकार का सेफ चल रहा। इस प्रकार से देश ये चाइना नहीं बनने का, इस भारत को भारत ही रहने का, चाइना नहीं बनने देने का। जैसे वहां डिक्टेटरशिप चल रही है, यहाँ नहीं चलने देने के। यहाँ पर जानना चाहता हूँ ना जो साउथ कोरिया वाला चिंगचोंग क्या है, वो ना वो बनने देने का, डिक्टेटरशिप नहीं चलने देने। सरकार काम करे अच्छा, किसान, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरनगर से, गन्ना रेट घोषित नहीं करा सरकार ने, गन्ना रेट घोषित नहीं करा। आप कोई, आप समझ सको कि कोई चीज है आपके पास और आपको उसका रेट नहीं पता, आप मजबूरी में देना पड़ रहे हो। आदित्यनाथ भी भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी भेदभाव की राजनीति करते हैं, भेदभाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार में लोगों ने आपको समर्थन दिया, आप उसकी भावनाओं पे जिस मकसद से उन्हें वोट दिया उस पर खड़ा उतरे। योगी आदित्यनाथ जी तो ये कहते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश को बेहतर बना दिया। नहीं देखो, दोनों जो काम उन्होंने अच्छे करे तो उन्हें अच्छा करना चाहिए, लेकिन जो भेदभाव की राजनीति की जा रही, विपक्ष को कुचलने का काम किया जा रहा, अगर कहीं भी विपक्ष, अगर आप गलत काम करोगे, आप न्यूज एंकर हो, अगर आप गलत पत्रकारिता करोगे, अगर आपको कोई कहने वाला नहीं हो तो आप उस गलत पत्रकारिता को आगे बढ़ा दोगे। तो पत्रकारिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आजकल की पत्रकारिता गोदी पत्रकारिता। मैं वही कहने आ रहा था, गोदी पत्रकारिता जो सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोल देगा तो वो गोदी पत्रकारिता। सर से पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि सर, जिस तरीके से यहाँ पर सवाल खड़ा किया गया कि आज जुडिशरी की बात कर लो या फिर ईडी की बात कर लो, सीबीआई की बात कर लो, तमाम जो एजेंसियां हैं उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सरकार के दबाव में काम कर रही है, कितनी सच है इसमें, कितना हकीकत है? सीबीआई भाजपा वाला क्यों नहीं जाती है, बताइए क्यों नहीं जाती है? किसी भाजपा वाले की सीबीआई जा रही है,
केवल विपक्ष के भी सीबीआई जा रही है। भाजपा वाले तो कहते हैं कि हमारे नेता तो सब साफ सुथरे छवि वाले हैं, हमारे नेता के पास तो कुछ भी नहीं है। जो भाजपा में है वो सफा है, साफ है, जो दूसरी बात में बदमाश है। विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि सीबीआई अडानी के घर क्यों नहीं पहुंचती, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? अडानी जानी चाहिए सीबीआई, अडानी के भी जानी चाहिए। क्या अडानी और मोदी के क्या कुछ रिश्ते हैं आपको लगता है? इसीलिए तो रिश्ते है, जब जा नहीं रही, जाएगी तो पता चल जाएगा। हम तो बताओ क्यों नहीं जा रही है भाई, मीडिया वाले क्यों बोलना चाहिए ना, सब बताए भाई, जिसके भी सीबीआई है जाना चाहिए सबके। तो क्या सच में लोकतंत्र आज खतरे में है? खतरे में ही है सब 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 चीज। तो कैसे बचेगा कपिल सिब्बल जो मुहिम चला रहे हैं, आपको लगता है कि सफल होगी? तो ये भाई तो प्रयास करने का, हमें सब प्रयास करें, जो पब्लिक चाहेगी होगा वो। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ पर तो यही बात निकल कर आ रही है कि आज विपक्ष एकजुट हो रहा है। कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं सरकार को एक शेर से बात खत्म करूंगा कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, तू नादा ना समझ तू इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, ए तलवार तुझे झुकना होगा। तलवार मतलब कि सरकार, गर्दन ने बगावत कर लिया, ये सब गर्दन ने बगावत कर लिया अभी इन्होंने। बहुत अच्छी बात कह रही है कि तलवार तुझे झुकना होगा, यानी कि सरकार को झुकना होगा, यानी कि आज देखा जाए सही तो तमाम लोग सही काम सरकार करे, लोग बाग सही काम की तारीफ भी करेंगे। अगर सड़क बना, सुनो नितिन गडकरी जी सरकार के एक मुख्यमंत्री, मुख्य मेन मंत्री है, बड़ा चेहरा है, वे विपक्ष की बात भी सुने, उनके खिलाफ कोई विपक्ष का आदमी बोलता नहीं, क्योंकि सही काम करें, कोई भी उनके पास चले जाओ उन्हें काम भी देना करें। मैं आपको लेना चाहूंगा, जो आज सरकार अपना विकास की बात करी, नितिन गडकरी जी के अलावा किसी आदमी का, किसी नेता का, किसी मंत्री का आप नाम ले दो भाजपा में, सिर्फ नितिन गडकरी को छोड़कर विपक्ष की बात भी सुने, वो ऐसा ही सरकार को काम करना चाहिए। सवाल आपसे और लेना चाहूंगा कि अभी आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके दो बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, उन पर रेड डाली गई, जबकि अरविंद केजरीवाल ये दावा ठोक रहे हैं कि हमारी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सही है या फिर देश की सरकार? भाई देखो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अगर उन्होंने गड़बड़ कर रखी कुछ, चाहे वो कोई भी आदमी सर, हम भी तो वही कह रहे, कानून से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन सिर्फ विपक्ष के गड़बड़ का आरोप है क्या, सरकार पे नहीं है क्या? अगर सरकार का आदमी करे, नीरव मोदी कहाँ पे है, उसे लेके नहीं आए, उसे क्यों नहीं लेकर? और पहले कह रहे थे कि एसडीएम भर्ती कर लिया अखिलेश यादव ने, 56 में से 46 माननीय मुख्यमंत्री 46 में 56 बता रहे, लेकिन 56 में 46 अगर वे कह रहे कि रिश्तेदार कर लिए, तो नीरव मोदी मोदी 2024 के चुनाव में कितना फर्क पड़ सकता है इन तमाम मुद्दों को लेकर? 2024 में सुपड़ा साफ होगा इसका भाजपा का, हाँ अगर ये इनकी हालत रही है तो सुधर जा। अच्छा, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी कविताओं के माध्यम से, शायरी के माध्यम से ये बता दिया गया है कि आने वाले समय में बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। हालांकि नितिन गडकरी की तारीफ की है, क्योंकि नितिन गडकरी अपने कटाक्ष के लिए जाने जाते हैं और अपनी बात को सही तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से यहाँ पर मुहिम चलाई जा रही है, इंसाफ के सिपाही कपिल सिब्बल कुछ वक्त में हमारे पास पहुँचने वाले हैं, कोशिश करेंगे उनकी, उनसे भी चर्चा हम कर सकें, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लगातार भारत में इस तरीके के प्रोटेस्ट क्यों किए जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या देश की सरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर जवाब देगी। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, देखते रहिए SPN9 न्यूज़।